नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। विदिशा में मतदान का बहिष्कार, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन का दिया अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर की मुख्य मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम के नाम तहसीलदार सौरभ मालवीय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर ग्रामीणों को द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और मांग पूरी न होने पर मतदान का बहिष्कार, चक्का जाम और धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। ग्यारसपुर ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि ग्यारसपुर को नगर पंचायत बना जाए, गौशाला बनाई जाए, सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए एवं अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मजदूर संघ यूनियन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह सिसोदिया के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कई बार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम और कलेक्टर को सौंप चुके हैं, परंतु अभी तक ग्रामवासियों की जायज मांगों को लेकर किसी प्रकार का सरकार के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है। इसलिए ग्रामीण अब अपनी मांगों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार एवं चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गंजवासुदा विधानसभा संवाददाता रवि रघुवंशी की रिपोर्ट। रघुवीर सिंह सिसोदिया मजदूर यूनियन रविदास सेवा समिति से ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते ग्राम पंचायत ग्यारसपुर ब्लॉक त्योंदा ग्यारसपुर की समस्या को लेकर यहां पर आया हूं। पत्रकार महोदय, पहली मांग मेरी ये है कि गौशाला गंगियों रोड पर मर रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने बैठक करी, कल कोई निराकरण नहीं हुआ, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गौशाला बनवाई जाए, नगर पंचायत बनवाई जाए और सीएम रायल का स्कूल का काम हमारे गरीबों के पट्टे भी उपलब्ध कराया जाए। अभी यह बात नहीं होगी, मेरे अंतिम बार यह ज्ञापन है। अब धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम, मैं माननीय प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि उनसे भी माननीय अध्यक्ष जी से, गणपत अध्यक्ष जी से, जिला अध्यक्ष जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अंधाबाट रेबड़ी और चून चीन कर दें, ग्यारसपुर को शीघ्र में नगर पंचायत बनाए, जब पास में लगी हुई गुलाबगंज को बना दिया, मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दुख होता है कि आप जनता के सेवक हो तो मैं भी जनता को सेवक है, जनता आपकी आप नहीं हो गए तो जनता भी नहीं हो गए, जनता आपके साथ दिन रात है, तो मैं आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी होगी क्योंकि आपका कार्यकर्ता एक दुखी है कि ग्यारसपुर में गैया नहीं की गौशाला नहीं बन पा रही थी, हमारे गरीबों को काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे पत्रकार महोदय, आप पधारे, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय सम, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।